लोनारा में क्वारंटाइन में रखा गया एक व्यक्ति शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। शांतिनगर के हर परिसर को बैरिकेटिंग कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति शांतिनगर निवासी है। साथ ही सतरंजीपुरा पॉजिटिव के संपर्क में आने से सुरक्षा के हिसाब से शनिवार को मनपा में शांतिनगर परिसर को सील कर दिया है। नागपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब 59 से बढ़कर 63 हुई है। शहर के अलग अलग जगहों से कोरोना पॉजिटिव की मरीज दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वायरस का प्रभाव अब तक सिर्फ अमेरिका और चीन में होने की बातें हो रही थी, लेकिन कोरोना महामारी ने अपने पांव इतने मजबूती से नागपुर में गड़ा रही है कि जिससे शायद ही कोई बच सके। लेकिन अफसोस, कोरोना इस महामारी को लेकर बार बार लोगों को घर में अंदर रहने की चेतावनी सरकार द्वारा दी जा रही है, फिर भी कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और कोरोना महामारी से मौत को दावत दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा शांतिनगर परिसर में रहने वाले एक व्यक्ति घर में न रहते हुए बाहर में घूम फिर रहे थे। व्यक्ति को आखिरकार कोरोना पॉजिटिव हुआ है। उनके संबंध में आए ऐसे कोरोना संदिग्ध व्यक्ति को लोनारा में क्वारंटाइन में रखे उस व्यक्ति को शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति शांतिनगर निवासी है, साथ ही सतरंजीपुरा पॉजिटिव के संपर्क में आया था। सुरक्षा के दृष्टि से शनिवार को मनपा ने शांतिनगर परिसर को सील कर दिया। दर्शकों, इस समय में इनविजन की टीम शांतिनगर परिसर में है। हम आपको बता दें कि लोनारा से एक क्वारंटाइन किया गया था, वो व्यक्ति इसी परिसर में रहता है। अब वो पूरी तरह से कोरोना पॉजिटिव मिलने से पूरे शांतिनगर में खलबली मच गई, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने इस तरह के बैरिकेटिंग किया है ताकि कोई उस परिसर में जा ना पाए और कोई उधर से आ ना पाए, इस तरह का कामकाज किया गया है। अब नागपुर शहर में जो कोरोना पॉजिटिव की जो कुल संख्या है वो 63 हो चुकी है। ये काफी बात है, 63 खबर होने से पूरे नागपुर शहर में खलबली मच गई है। तो वही शांतिनगर के इस कचराघर एरिया में जो एक पॉजिटिव मिला, उससे और भी परिसर में खलबली मची है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इस ओर ध्यान दे रही है। लॉकडाउन के चलते लोगों को हिदायत दे रहे कि वे अपने घरों में रहे, लोग भी इसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। शांतिनगर से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मिरे, इन बी सी एन न्यूज नागपुर।